फ्रेंड्स, आज हम मिनल्स किचन एंड मोर में बनाएंगे कैरेमल कस्टर्ड। इसके लिए यहाँ पर मैं पैन में 1/4 कप जितनी शुगर लूँगी। तो सबसे पहले इसको हम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। शुगर धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, तो इसको हमें एकदम पिघलाना है और कैरेमल बनाना है। जैसे ही शुगर यहाँ पर मेल्ट हो जाती है, हम इसको स्लो फ्लेम कर देंगे। यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे बिकॉज इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। इसको हमें ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना है। ये देखिए, कैरेमल कलर इसमें ऑलरेडी आ चुका है। ज़्यादा डार्क करेंगे तो ये बर्न हो जाएगा और उसकी वजह से इसका टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो अब हम इसको एक मोल्ड में मैं इसको डालूंगी। इसको हल्का सा स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, ये सेट हो जाएगा। तब तक हम हमारा मिक्सचर तैयार करते हैं। मिक्सचर के लिए हम एक बोल लेंगे, उसमें 1 कप जितना मिल्क ऐड करेंगे, 1 कप कर्ड, 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। ये मैंने घर पे ही बनाया है, आप इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और अगर आप कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप शुगर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। तो अब हम इसे हैंड बीटर की सहायता से एकदम अच्छे से बीट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो कैरेमल है वो एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम ये जो मिक्सचर है वो इसमें डाल देंगे। और इसको मैं फॉइल पेपर से पूरा कवर कर दूंगी। तो अब हम इसको स्टीमिंग के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टीम कुकर में पानी उबालने के लिए रखा है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है 10 मिनट के लिए। तब ये उबल चुका है, तो अब हम अपना मिक्सचर है इसमें रख देंगे। तो अब हम इसको लगभग 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे। मैंने 25 मिनट्स यहाँ पर हो गए हमको ये स्टीम करते हुए। तो अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर मैं हल्का सा साइड से हटाऊंगी फॉइल पेपर। ये देख रहे हो, चाकू एकदम नीट निकली है बाहर। तो 25 मिनट्स बाद यहाँ पर मैं गैस बंद कर दूंगी। अब हम इस मोल्ड को बाहर निकाल कर इस पर से फॉइल पेपर हटा देंगे और इसको ठंडा करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर। हमारा कैरेमल कस्टर्ड अभी ठंडा हो चुका है, 15 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको चाकू की सहायता से इसके कॉर्नर्स रिमूव करूंगी। हम एक प्लेट लेंगे, इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसको टर्न कर देंगे अच्छे से। टैप करते हुए इसको निकाल देंगे धीरे धीरे। फ्रेंड्स, हमारा कैरेमल कस्टर्ड एकदम तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर देखिए तैयार हुआ है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे बिकॉज ठंडा खाने में इसका मज़ा ही अलग है। तो 2 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूँगी एंड देन विल हैव दिस